हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं कंप्यूटर और कंप्यूटर में हमारा टॉपिक चल रहा है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, या जिसको हम बोल सकते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब देखो, जो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर है, ये आपका काफ़ी लंबा टॉपिक है, काफ़ी लंबा यूनिट है। ये मान के चलो कि सिलेबस का मेजर पोर्शन जो है इसी एक यूनिट में कंप्लीट हो जाएगा, बाकी जो आपके यूनिट्स हैं वो काफ़ी छोटे छोटे हैं, तो जल्दी जल्दी वो कवर हो जाएंगे। मेन जो आपका यूनिट है वो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर ही है। मेजर पोर्शन जो है आपके कंप्यूटर का, या काफ़ी बड़ा पोर्शन जो आपके कंप्यूटर का है, वो इसी एक यूनिट में कवर होगा। तो ये यूनिट थोड़ा आपका लंबा चलेगा, बाकी सारे यूनिट्स जो हैं आपके जल्दी जल्दी कवर होते जाएंगे। तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो पहला टॉपिक है हमारा बस। इसके अलावा एक और टॉपिक करेंगे, तो बस के रिगार्डिंग हम जो है वो हमारा पहला टॉपिक है, बस होती क्या है। तो अगर आपको बेसिक, अगर आपको पहले पिछले लेक्चर्स के बेसिक आपको याद है, तो मैंने आपको बताया था कि एक होती है हमारी पीसीबी, ठीक है, पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जितने भी होते हैं उनके ऊपर आपको कुछ बस देखने को मिलते हैं। और आपको पता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो है उसमें एक टाइप का जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, जो कि हमारे मोबाइल फ़ोन में, हमारे कंप्यूटर्स में, लैपटॉप में, या फिर और भी जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसके अंदर जो लगे होते हैं उसको हम बोलते हैं मदरबोर्ड, ठीक है। जैसे जो हमारे मोबाइल फ़ोन में, जो हमारे कंप्यूटर वगैरह में लगा हुआ है उसको हम बोलते हैं मदर बोर्ड। तो हमारे जितने भी पीसीबी है, नॉर्मल पीसीबी का मतलब क्या है, जैसे जो हमारा रिमोट कंट्रोल हो गया, या फिर जो हमारे खिलौने वगैरह होते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत आपके ये कैसे होता है, टीवी के रिमोट हो गए, एसी के रिमोट हो गए, इन सब के अंदर भी पीसीबी होता है। लेकिन जो एडवांस पीसीबीज होते हैं, जो हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर होते हैं, उसको मदरबोर्ड बोलते हैं। तो जो बसेज होते हैं वो मदरबोर्ड के अंदर भी बस होते हैं, यानी कि मदरबोर्ड पे भी बस पाए जाते हैं, मदरबोर्ड में भी बस का कॉन्सेप्ट होता है। और जो हमारे नॉर्मल पीसीबीज होते हैं उसके अंदर भी बस का कॉन्सेप्ट होता है, और जो हमारे कंप्यूटर्स हैं कंप्यूटर के अंदर भी बस का कॉन्सेप्ट होता है। तो देखो, पहले मदरबोर्ड या पीसीबी के अंदर बस के कॉन्सेप्ट की बात करें, तो ये आपका मदरबोर्ड जो है कुछ इस तरह से दिखता है। इसके ऊपर आप देख रहे हो, ये इस तरह से लाइनें दिख रही हैं आपको, ये इस तरह से लाइनें दिख रही हैं। ये जो लाइनें होती हैं इसको बोलते हैं ट्रैक्स, या फिर ट्रेल्स बोलते हैं। जैसे रेल की पटरियाँ आपने देखी होंगी, वो उसको ट्रैक्स बोलते हैं, रेल की पटरियों को ट्रैक्स बोलते हैं। तो उसी तरह से जो हमारा मदरबोर्ड होता है उसके ऊपर जो ये लाइनें दिख रही हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम बस, ठीक है। और ये जो बस है ये किसकी बनी होती है, कॉपर ट्रैक या कॉपर ट्रेल की बनी होती हैं। ये जो बसेज हैं, ये जो लाइनें जा रही हैं, इनको बस बोलते हैं। और ये बस जो होती हैं वो कॉपर की बनी होती है, कॉपर आपको पता है एक मेटल है, तो कॉपर की बनी होती है, इसको हम कॉपर ट्रैक्स या कॉपर ट्रेल्स भी बोलते हैं। तो ये तो एक तरह की बस हो गई जो आपके मदरबोर्ड में या पीसीबी में पाई जाएगी। लेकिन जो आपके कंप्यूटर में जो बस होती है उसको क्या बोलते हैं, जो कंप्यूटर में आपने देखा होगा कंप्यूटर में इस तरह की वायर्स होती हैं, ठीक है, कई बार इसको कवर्ड, ये कवर्ड वायर होती हैं, ब्लैक कलर में या व्हाइट कलर में आपको दिखेंगी। तो इस तरह की जो वायर्स होती है कंप्यूटर में, इसको भी हम बस बोलते हैं। तो कंप्यूटर की बात करें तो मदरबोर्ड के अंदर जो बस है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि उसके ऊपर जो कॉपर के ट्रैक्स होते हैं उसको हम बस बोलते हैं मदरबोर्ड के ऊपर। और जो हमारे कंप्यूटर होते हैं उसके ऊपर बस जो होती है वो उसके अंदर जो वायर्स होती हैं उसको बस बोला जाता है। तो ये सब जो पॉइंट्स है इसको मैं आपको नोट डाउन यहाँ पे करवा देता हूँ, ताकि जो आपके नोट्स हैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं आप इंक्लूड कर लो। तो बस के बारे में पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि जो बस का मेन काम क्या होता है, ठीक है, बस का मेन काम होता है जो डेटा होता है उसको ट्रैवल करवाना है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। जो डेटा है उसको कंप्यूटर के अंदर ट्रैवल करवाने का काम जो है वो बस का होता है। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, बस का मेन काम होता है डेटा ट्रैवलर इन कंप्यूटर। यहाँ पे लिख लेते हैं डेटा ट्रैवलर इन कंप्यूटर, ठीक है। इसके अलावा बस की जैसे मैंने बात की, तो बस जो है आपके दो जगह पाई जाएंगी। एक तो बस आपकी मिलेंगी मदरबोर्ड के ऊपर, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बस ऑन मदरबोर्ड, ठीक है। अब ये जो बस आपकी मदरबोर्ड के ऊपर होंगी इसको क्या बोलते हैं, एक कॉपर की बनी होती है और इसको बोलते हैं हम कॉपर ट्रैक्स या कॉपर ट्रेल्स। तो इसको भी यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, कॉपर ट्रैक्स या फिर कॉपर ट्रेल्स भी इसको बोलते हैं। दूसरी जो बस हमारे कंप्यूटर में देखने को मिलती है वो उसको हम कंप्यूटर में बोल सकते हैं, तो इसको मैं लिख देता हूँ बस ऑन या बस इन कंप्यूटर। तो जो हमारी कंप्यूटर के अंदर बस होती है वो क्या होती है, तो वो हमारी कंप्यूटर्स में जो वायर्स होती हैं उसको हम बस बोलते हैं, वायर्स यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं तार। जो भी ऐसे वर्ड्स होंगे जो हिंदी में टिपिकली यूज़ किए जाते हैं, मैं हिंदी में कोशिश करूँगा उसको लिख दूँ, बाकी मैं बोलता जा रहा हूँ आप उसको समझ सकते हैं।
मेजरली जो आपके वर्ड्स होते हैं वो हिंदी, जो इंग्लिश वाले वर्ड्स होते हैं वही आपके हिंदी में भी यूज़ होते हैं, बस जो है वही हिंदी में भी उसको बस ही बोलते हैं। और ये वो वाली बस नहीं है जो आपके जिससे आप ट्रैवल करते हैं, ये बस जो है कंप्यूटर के अंदर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके दो टाइप की बस, सॉरी ये दो जगह आपके, एक मदरबोर्ड के ऊपर बस होती है और एक कंप्यूटर के अंदर बस होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आप लिख लो, टाइप्स ऑफ बसेस, यानी कि बस के टाइप कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ बस, बस के कितने टाइप होते हैं। तो देखो बस के मेनली आपके तीन टाइप होते हैं, वो तीनों टाइप ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक बस का टाइप होता है डेटा बस, एक बस का टाइप होता है डेटा बस, दूसरा बस का टाइप होता है एड्रेस बस। ये सब क्या होते हैं अभी अभी हम आपको एक्सप्लेन करूँगा। दूसरा टाइप होता है एड्रेस बस, और तीसरा बस का टाइप होता है कंट्रोल बस, तीसरा बस का टाइप होता है कंट्रोल बस। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि बस के कितने टाइप होते हैं, तो बस के आपके तीन टाइप होते हैं, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। अब ये काम किस तरह से करते हैं, इसको मैं एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इस तरह से समझो, कंप्यूटर के अंदर क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो पॉइंट ए से, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जानी है। एक मान लो ये डेटा है, इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो इस डेटा को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो ले जाने वाला बस होगा उसको बोलेंगे हम डेटा बस। डेटा बस यानी कि कंप्यूटर के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जानी है, तो उसको जो ले जाएगा वो ले जाएगा डेटा बस। अब देखो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो कहीं ना कहीं से तो आ रही है, तो उसका जो एड्रेस कंटेन करेगा कि वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है, उसका जो एड्रेस कंटेन करेगा उसको हम बोलते हैं एड्रेस बस, इसको हम बोलेंगे एड्रेस बस। तो ये हो गई आपकी एड्रेस बस, ठीक है। तो जो डेटा ले जाएगा उसको बोलेंगे हम डेटा बस, और वो डेटा कहाँ से आ रहा है, उसका एड्रेस क्या है, वो इन्फॉर्मेशन जो ले जाएगा उसको बोलेंगे हम एड्रेस बस। फिर जो तीसरा बस होता है वो होता है आपका कंट्रोल बस, जो तीसरा बस होता है वो होता है आपका कंट्रोल बस, कंट्रोल बस। अब ये जो कंट्रोल बस का काम क्या होता है, कंट्रोल बस जो है वो कुछ सिग्नल्स कैरी करता है, जैसे मेनली जैसे मान लो कि यहाँ पे टाइमिंग सिग्नल क्या है कि ये जो डेटा है वो कितनी देर पहले निकला है, कितनी देर में इसको पहुँचना चाहिए, कितना टाइम इसको लगना चाहिए, ये सब चीज़ें जो है कंट्रोल बस के थ्रू ट्रैवल की जाती हैं। इसके अलावा कुछ टाइप्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ये सब जो इन्फॉर्मेशन है वो कंट्रोल बस के थ्रू ही जाती है। तो ये मेनली आपको इस डायग्राम के थ्रू आपको याद रखना कि डेटा जो बस होते हैं कंप्यूटर में वो तीन टाइप के होते हैं, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। अब इसके जो मेन पॉइंट्स है उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ताकि ये चीज़ें जो हैं अगर आपके एग्ज़ाम में आती है तो आप आपके नोट्स में ये सारी चीज़ें मेंशन हो। तो जो डेटा बस है उसमें आपको लिखना है इट कैरीज द डेटा, जो डेटा बस होता है इट कैरीज द डेटा, ये जो है डेटा को कैरी करता है। एड्रेस बस की बात करें तो इसमें सिंपल आपको लिखना है इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द डेटा, ये जो है डेटा का एड्रेस होल्ड करता है, इट होल्ड्स दी एड्रेस ऑफ डेटा, ये डेटा का एड्रेस जो होता है उसको होल्ड करता है। कंट्रोल बस के केस में आपको दो इसके फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है आपको याद रखने हैं। पहला फंक्शन जो होता है इसका वो तो होता है टाइमिंग सिग्नल, पहला फंक्शन जो कंट्रोल बस का होता है वो होता है टाइमिंग सिग्नल, टाइमिंग सिग्नल यानी कि कितनी देर पहले इन्फॉर्मेशन निकली है, कितनी देर में उसको पहुंचना चाहिए, कितना टाइम उसको लगना चाहिए, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम बोल रहे हैं टाइमिंग सिग्नल। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है ये है एक टाइप ऑफ ऑपरेशन, ये है टाइप ऑफ ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन कौन से ऑपरेशन, यहाँ पे जैसे मान लो प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, इस तरह के जो टाइप्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं या वो ट्रैवल किए जाते हैं कंट्रोल बस के थ्रू। तो ये आपके तीन टाइप के बस हो गए, इसका डायग्राम बनाकर मैंने आपको समझा दिया किस तरह से जो बस है वो काम करते हैं। अब बस से रिलेटेड दो दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं जिसके ऊपर मैंने देखा काफ़ी जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं अलग अलग एग्जामिनेशन में, तो ये दोनों पॉइंट्स, दो तीन पॉइंट्स मैं आपको समझा देता हूँ ताकि अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप इसको भी अटेम्प्ट कर सको। देखो एड्रेस बस के बारे में दो तीन पॉइंट है। एड्रेस बस जो होता है ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, जो एड्रेस बस होता है वो डायरेक्टली किससे एसोसिएटेड होता है,
तो एड्रेस बस जो है डायरेक्टली मेन मेमोरी से एसोसिएटेड होता है, यानी कि मेन मेमोरी यानी कि रैम से एसोसिएटेड होता है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एड्रेस बस इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद मेन मेमोरी। यानी कि जो एड्रेस बस होता है वो डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है मेन मेमोरी के साथ। मेन मेमोरी का मतलब क्या है? मेन मेमोरी का यहाँ पे मतलब है रैम। मेन मेमोरी का मतलब यहाँ पे रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये एसोसिएशन का मतलब क्या है, कैसे एसोसिएटेड होता है? देखो, अगर आपको बस का नंबर पता है या एड्रेस बस के बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास, तो जो आपके रैम की कैपेसिटी है, जो आपके मेन मेमोरी की कैपेसिटी है, वो आप फाइंड कर सकते हो, वो आप निकाल सकते हो। तो इससे हम बोल सकते हैं जो एड्रेस बस होता है वो डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है मेन मेमोरी से। एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि एड्रेस बस जो है किससे डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं होता, तो एड्रेस बस जो वो सेकेंडरी मेमोरी से एसोसिएटेड नहीं होता। तो ये आप लिख लो, एड्रेस बस इज नॉट एसोसिएटेड विद सेकेंडरी मेमोरी। कि जो एड्रेस बस है वो सेकेंडरी मेमोरी के साथ एसोसिएटेड नहीं होता, लेकिन जो हमारी मेन मेमोरी होता है उसके साथ एसोसिएटेड होता है। तो इसके रिगार्डिंग कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन में, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो ये मेन आपका पूरा कॉन्सेप्ट है बस का। इससे रिलेटेड कोई, इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा बस के रिगार्डिंग, ठीक है? तो ये आपका बस का कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम जो इस लेक्चर में समझेंगे वो है हमारा आईसी चिप का, ठीक है? आईसी चिप क्या होती है? आईसी चिप होती है आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इसकी फुल फॉर्म मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आईसी चिप होती है आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ठीक है? आपने डे टू डे लाइफ में भी देखा होगा कि जो आपका पीसी है उसके अंदर जो आईसी चिप है उसमें कुछ इशू आ गया है, आईसी चिप खराब हो गया, तो ये जो आईसी चिप है वो है क्या? तो देखो, आईसी चिप देखा होगा आपने, कंप्यूटर के अंदर आपकी एक चिप लगी होती है, ये आपके इस तरह की एक चिप लगी होती है कंप्यूटर्स के अंदर। और ये आईसी चिप जो है वो अलग अलग शेप और साइज की भी हो सकती है, जैसे इस तरह की आईसी चिप हो सकती है, छोटे साइज की हो सकती है, इस तरह की आईसी चिप हो सकती है, तो अलग अलग साइज की हो सकती है आईसी चिप। लेकिन कंप्यूटर में जनरली आपको जो स्क्वायर साइज की जो आईसी चिप्स हैं वो देखने को मिलेंगी, ठीक है? तो ये आईसी चिप आपको ध्यान रखना है। अब देखो, आईसी चिप की जो इन्वेंशन हुई है उसके रिगार्डिंग कई बार क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, तो उसके बारे में दो तीन पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट आप याद रख सकते हैं कि आईसी चिप के बारे में। अब देखो, आईसी चिप का अगर कहीं हिंदी में नाम आ जाए तो हिंदी में भी इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। आईसी चिप को हिंदी में बोलते हैं समायोजन परिपथ चिप, समायोजन परिपथ चिप, ठीक है? तो अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो वो ये नाम चाहे तो नोट कर सकता है। आईसी चिप को हिंदी, अगर शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो इसको बोलते हैं समायोजन परिपथ चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। अब देखो, इसके रिगार्डिंग कुछ जो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं कि इसके डिस्कवरी के रिगार्डिंग, तो वो आपको याद रखने हैं। तो इसके डिस्कवरी के रिगार्डिंग आपको 3 ईयर याद रखने हैं। एक ईयर आपका 1957, दूसरा ईयर आपका 1958, और तीसरा ईयर है आपका 1959। अब ये 3 ईयर आपको क्यों याद रखने हैं वो अभी आपको समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, 1957 में एक व्यक्ति है जिसका नाम है जे एस किल्बी, जे एस किल्बी, ठीक है? ये जो जे एस किल्बी थे, इन्होंने आइडिया प्रपोज किया कि हम जो है आईसी चिप्स को बनाएंगे या हम जो आईसी चिप्स को बना सकते हैं। तो इसका जो आइडिया प्रपोज किया गया वो 1957 में किया गया जे एस किल्बी के द्वारा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में आइडिया प्रपोज्ड, आइडिया प्रपोज, ठीक है? हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख सकते हैं कि आइडिया वहां पे पेश किया गया एक तरह से। 1958 में क्या होता है कि जो जे एस किल्बी है वो आईसी चिप जो है उसको डेवलप कर लेते हैं। 1957 में आइडिया प्रपोज किया गया, 1958 में जो जे एस किल्बी है इन्होंने जो आईसी चिप है उसको डेवलप कर लिया। तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, आईसी चिप डेवलप्ड बाय जे एस किल्बी, यानी कि जे एस किल्बी ने आईसी चिप को डेवलप कर लिया।
अब देखो ये जो आईसी चिप जेएल किलबी ने डेवलप की थी, इस आईसी चिप की को बनाया किस तरह से था? तो ये जो आईसी चिप थी वो सेरामिक मटेरियल से बनाई गई थी, या किसको बोल सकते हैं माइक्रो मॉड्यूल से बनाई गई थी, ठीक है। तो ये आईसी चिप जो है वो सेरामिक मटेरियल से बनाई गई थी, या इसको आप बोल सकते हो माइक्रो मॉड्यूल्स थे, ठीक है, माइक्रो मॉड्यूल्स, ठीक है। तो जो आईसी चिप डेवलप की गई जेएस किलबी द्वारा वो उन्होंने बनाई थी सेरामिक मटेरियल से। अब देखो 1959 में एक और व्यक्ति जिनका नाम है रॉबर्ट नॉइस, इनका नाम है रॉबर्ट नॉइस, ठीक है। मैं हर वर्ड को 2 या 3 बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके मेमोरी में ये चीजें बैठ जाएं, और आपको अगर एक दो बार भी आप इसको रिवाइज कर लेते तो आप 100% एक्यूरेसी के जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप ठीक कर पाओगे। तो 1959 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था रॉबर्ट नॉइस, इन्होंने आईसी चिप डेवलप की, लेकिन जो आईसी चिप इन्होंने डेवलप की थी जेएस किलबी ने, वो करी थी सेरामिक मटेरियल से, लेकिन जो रॉबर्ट नॉइस ने जो आईसी चिप डेवलप की है वो करी है मोनोलिथिक मटेरियल से, इसको बोल सकते हो आप सिलिकन से, जो आज चिप जो यूज होती है सिलिकन वाली, उसका जो डेवलपमेंट है वो किया था रॉबर्ट नॉइस ने। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू आईसी चिप डेवलप्ड, तो इन्होंने क्या किया, नई तरह की जो आईसी चिप है वो डेवलप की, न्यू आईसी चिप डेवलप्ड, ठीक है। अभी जो न्यू आईसी चिप थी वो बनी किस मटेरियल से बनी थी? तो ये न्यू आईसी चिप जो है वो मोनोलिथिक मटेरियल से बनी थी, मोनोलिथिक मटेरियल, ठीक है। तो ये आईसी चिप जो है मोनोलिथिक मटेरियल से बनी थी। अब होता क्या, मोनोलिथिक मटेरियल तो आपने सुना होगा, आजकल जो आपके आईसी चिप्स आती हैं वो जनरली सिलिकन की बनी होती है, तो जो मोनोलिथिक मटेरियल है वो कुछ नहीं आपका सिलिकन ही है, ठीक है। इसके अलावा कुछ हो सकता है, कुछ केसेस में बहुत ही कम परसेंटेज में जर्मेनियम से भी बन सकती हैं, ठीक है, जर्मेनियम, लेकिन जो मेजोरिटी आपकी जो आईसी चिप्स होती हैं वो सिलिकन से ही बनी होती है, और इसी को बोलते हैं मोनोलिथिक मटेरियल, और जिसका जो इन्वेंशन है वो रॉबर्ट नॉइस ने किया था। तो मान लो अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आईसी चिप की खोज किसने की है, आईसी चिप की डिस्कवरी किसने की, डेवलपमेंट किसने की, तो यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आंसर क्या होगा। मान लो आपके जनरली क्या होता है कि ऑप्शन में ऐसे लिखा होता है जेएस किलबी एंड रॉबर्ट नॉइस, क्योंकि जनरली माना जाता है कि इन दोनों ने ही आईसी चिप्स की डेवलपमेंट की है, हालांकि इन दोनों ने अलग अलग टाइप की आईसी चिप्स खोजी थी, लेकिन क्योंकि टाइम फ्रेम काफ़ी क्लोज है तो इसको हम बोल, जो ऑप्शन है जनरली वो इस तरह से आएगा जेएस किलबी एंड रॉबर्ट नॉइस, या फिर क्या होगा कि ऑप्शन में आपको या तो जेएस किलबी दिया होगा या फिर रॉबर्ट नॉइस दिया होगा, तो इस केस में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर बहुत ही रेयर चांस है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आईसी चिप की डेवलपमेंट किसने की और उसमें दोनों नाम आ जाए, तो उस केस में आपको क्या आंसर लगाना, तो उस केस में आपको ईयर के हिसाब से जाना पड़ेगा और फिर आपको जेएस किलबी वहां पर आंसर लगाना पड़ेगा। लेकिन जनरली ऐसा क्वेश्चन देते नहीं है, या तो दोनों में से किसी एक का नाम देंगे या फिर एक ही ऑप्शन के अंदर ऐसे लिख देंगे जेएस किलबी एंड रॉबर्ट नॉइस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह से आपके जो एक तरह से क्वेश्चन जो है एमसीक्यू जो है इसमें फ्रेम हो सकते हैं। अब देखो सिलिकन चिप की बात करें, ठीक है, सिलिकन आईसी चिप की बात करें, तो इसके रिगार्डिंग अगर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बता दूं कि जो आईसी चिप की अगर बात करें कि जो चिप्स हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं, तो आपको शायद लगेगा कि जो चाइना है वो आईसी चिप को सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन ये सच नहीं है। आपने एक कंट्री का नाम सुना होगा ताइवान, जिसके साथ जो है चाइना का डिस्प्यूट चलता रहता है, और चाइना एक तरह से ये क्लेम करता है कि जो ताइवान है वो उसी का पार्ट है, ठीक है। तो जो सिलिकन चिप्स होती हैं उसका नंबर वन मैन्युफैक्चरर जो है वर्ल्ड के अंदर वो ताइवान है, ठीक है। ताइवान जो है वो अप्रोक्सीमेटली 60% प्रोडक्शन करता है आईसी चिप्स की, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी चिप्स सप्लाईज होती हैं उसका 60%, आधे से भी ज़्यादा 60% जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ताइवान के अंदर की जाती है, और चाइना की बात करें तो बहुत कम, सिर्फ 4 से 5% जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना के अंदर की जाती है, ठीक है। अब ये आपको पता होगा इंडिया के अंदर भी जो आईसी चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग है उसका नया प्लांट लगा दिया गया, तो अब इंडिया के अंदर जो आईसी चिप्स हैं वो भी बनी करेंगी, और इन फ्यूचर आप देख सकते हो कि हो सकता है कि इंडिया में जो बनी हुई आईसी चिप्स हैं वो आपके मोबाइल फ़ोन में आपके कंप्यूटर में वो यूज़ की जाए, और हो सकता है इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट भी की जाए, लेकिन अभी के लिए जो ताइवान है उसकी जो प्रोडक्शन है वो पूरे वर्ल्ड की 60% है और चाइना की अप्रोक्सीमेटली 4 से 5% है। तो
तो ये भी ऐसे जीके टाइप का क्वेश्चन है, कंप्यूटर के अंदर इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन एक तरह से जनरल नॉलेज के लिए ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो, जब भी सिलिकन आईसी चिप की बात होगी तो इसके रिगार्डिंग दो तीन फैक्ट जो है आपको याद रखने हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोबारा से, सिलिकन आईसी चिप, ठीक है। तो सिलिकन आईसी चिप की बात होगी तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि इसकी नेचर क्या होती है, सिलिकन आईसी चिप की नेचर, ठीक है। नेचर को हिंदी में बोलते हैं प्रकृति, कि जो सिलिकन आईसी चिप होती है उसकी नेचर क्या होती है। तो देखो, नेचर का मतलब क्या है, नेचर का मतलब जो जितनी भी आपकी चिप्स होती हैं वो मेनली कैसे वर्क करती हैं, वो मेनली आपके इलेक्ट्रिसिटी में वर्क करती है। इलेक्ट्रिसिटी जब उसमें दी जाती है तो उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करती है। और इलेक्ट्रिसिटी का जब भी नाम आता है तो आपने तीन वर्ड सुने होंगे, एक होता है आपका कंडक्टर, एक होता है आपका इंसुलेटर, और दूसरा होता है आपका सेमी कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब कोई ऐसे मटेरियल जिसके थ्रू आपका जो करंट है वो पास हो सकता है, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। इंसुलेटर का मतलब होता है ऐसे मटेरियल जिसके थ्रू करंट जो है पास नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं हम इंसुलेटर। और फिर एक होता है सेमी कंडक्टर, यानी कि अर्धचालक। सेमी कंडक्टर क्या होता है, जिसके अंदर से जो करंट है वो फुल फ्लो के थ्रू पास नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत यानी कि रुकावट के साथ जो वहाँ पे पास हो सकता है। तो आईसी चिप की बात करें तो इसका जो नेचर होता है वो सेमी कंडक्टर होता है, यानी कि इसका नेचर क्या होता है, सेमी कंडक्टर नेचर का ये होता है। हिंदी में इसको बोलेंगे हम अर्धचालक। तो आईसी चिप जो है आपका अर्धचालक होता है, ठीक है। तो ये आपका आईसी चिप के नेचर हो गया। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आ सक ये भी एक पॉइंट आप याद रखो कि आईसी चिप जो है वो मिनिमम कितनी पावर कंज्यूम करता है, या सॉरी मैक्सिमम कितनी पावर कंज्यूम कर सकता है। तो मैक्सिमम बात करें तो मैक्सिमम ये पावर कंज्यूम कर सकता है अप टू +5 वोल्ट, ठीक है। यानी कि अप टू +5 वोल्ट तक की जो इलेक्ट्रिकल करंट है, इलेक्ट्रिकल करंट वो जो है आईसी चिप यूज कर सकता है। हालांकि जो अब लेटेस्ट आईसी चिप आ रही है वो 2 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, इवन 1.2 वोल्ट, 1 वोल्ट तक भी, यानी कि इतने कम वोल्टेज पे, इतने कम इलेक्ट्रिकल करंट पे जो आईसी चिप से वो फंक्शन कर लेते हैं, यानी बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी की इनको जरूरत होती है। तो ये आपको मेन पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने हैं। अब इसके अलावा दो और पॉइंट्स, दो और वर्ड्स जो होते हैं वो आपके कई बार आपने सुना होगा। एक वर्ड आपने सुना होगा लॉजिक गेट, लॉजिक, या आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की थोड़ी बहुत पढ़ाई की है तो आपको एक वर्ड पता होगा लॉजिक गेट, ठीक है। इस लॉजिक कोड को गेट को हम लॉजिक सर्किट भी बोल सकते हैं, लॉजिक सर्किट, ठीक है। ये जो लॉजिक गेट या लॉजिक सर्किट होता है ये क्या होता है, तो जो लॉजिक गेट या लॉजिक सर्किट होता है उसका एक काम होता है सर्किट बनाने के लिए। तो लॉजिक गेट या लॉजिक सर्किट का मेन काम होता है सर्किट बनाने के लिए इसको यूज करते हैं, यानी कि सर्किट को हिंदी में बोलते हैं परिपथ, ठीक है। तो कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो वो उसको चाहे तो यूज कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लॉजिक गेट या लॉजिक सर्किट होता है इसका मेन काम होता है सर्किट बनाने के लिए। तो यहां पर लिख देता हूं मैं सर्किट बनाने के लिए, ठीक है। दूसरा आपने वर्ड सुना होगा ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, ठीक है। जो ट्रांजिस्टर होते हैं ये क्या होते हैं, ये भी सर्किट होते हैं, लेकिन जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं इसका काम होता है सर्किट को पूरा करने का। जो लॉजिक गेट होते हैं वो सर्किट को बनाते हैं, और ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो सर्किट को पूरा करते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं सर्किट को पूरा करने के लिए, सर्किट को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स जो है आपको याद रखने हैं। अब देखो, कुछ कैटेगरीज होती हैं आईसी चिप्स की, यानी कि आईसी चिप्स की कुछ कैटेगरीज होती हैं, और वो जो कैटेगरीज होती हैं उसकी फुल फॉर्म वगैरह भी होती है। तो फुल फॉर्म वगैरह जो एग्जाम में पूछे काफी ज्यादा ट्रेंड है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ आपको कैटेगरी समझाता हूँ आईसी चिप्स की, उसी के साथ उनकी फुल फॉर्म भी बता दूंगा, और उसमें ट्रांजिस्टर का काउंट कितना होता है, लॉजिक गेट्स कितने होते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। हालांकि चांसेस कम है कि इतना डिटेल में जाए, लेकिन अगर पूछ लेते हैं तो आपको वो सारी चीजें भी पता होनी चाहिए, उसके भी थोड़ी बहुत अगर आपको नॉलेज होगी तो वो आपके काम आएंगी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कैटेगरी ऑफ आईसी चिप, कैटेगरी ऑफ आईसी चिप, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एक्रोनिम, यानी कि जो उसकी शॉर्ट फॉर्म होगी एक तरह से एक्रोनिम, यहां पे मैं लिख देता हूं फुल फॉर्म,
यहाँ पे भी लिख देता हूँ ट्रांजिस्टर काउंट। यानी कि ट्रांजिस्टर्स का नंबर कितना होता है, और यहां पे मैं लिख देता हूं लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स यानी कि लॉजिक गेट्स का नंबर क्या होता है। देखो फर्स्ट जो आपको याद रखना है वो है SSI, SSI इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है स्मॉल स्केल इंटीग्रेटर या इंटीग्रेशन, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इसमें ट्रांजिस्टर काउंट कितने होते थे, इसमें ट्रांजिस्टर हो सकते हैं एक से लेके 10 तक, मैक्सिमम 10 तक, और इसमें जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो एक से लेके 12 तक हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो इसका आपका कैटेगरी के अंदर जो अगला प्रकार है वो है MSI, MSI इसकी फुल फॉर्म होती है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के लिए मैं यहाँ पे इस तरह से कर देता हूँ, ये समझ जाओ इंटीग्रेशन है इसका मतलब। इसमें जो आपके ट्रांजिस्टर्स काउंट होते हैं वो 10 से लेके 500 के बीच होते हैं, और इसमें जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो 13 से लेके 99 के बीच में होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका LSI, LSI क्या होता है, LSI आपका होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें जो ट्रांजिस्टर काउंट होता है वो 500 से लेके 20,000 तो हो सकता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 500 टू 20K, और इसके अंदर जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो 100 से लेके 9,999 तक हो सकते हैं, तो ये 9999 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। फिर फोर्थ टाइप है आपका VLSI, VLSI ये क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो यहां पे मैं लिख देता हूं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर काउंट होते हैं वो 20K से लेके 10 लाख तक हो सकते हैं, यानी 10 लाख तक हो सकते हैं, और इसके अंदर जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो 10,000 से लेके 99,999 तक हो सकते हैं, तो यहाँ पे 5 बार 9 आएगा आपका, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है आपका यू एल एस आई तो जी यूएलएसआई होता है, इसका होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये जो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है इसमें जो ट्रांजिस्टर काउंट होते हैं वो 10 लाख से लेकर 10 लाख से लेके इससे ज़्यादा तक हो सकते हैं, यानी 10 लाख से ज़्यादा जो है इसमें होते हैं, और इसके जो ट्रांजिस्टर काउंट लॉजिक गेट्स होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के आसपास होते हैं, ठीक है। तो लॉजिक गेट्स 1 लाख के आसपास और जो ट्रांजिस्टर्स काउंट होते हैं वो 10 लाख से ज़्यादा होते हैं। अब देखो इनका एक एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में अगर देखें तो जो हमारा CPU होता है, ठीक है, जो CPU होता है उसके अंदर भी हमारी एक IC चिप होती है, और जो CPU के अंदर हमारी जो IC चिप होती है उसका नाम होता है VLSI C। तो आपका वही तो इसमें है नहीं, तो यही वाला है VLSI, ये है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और इसके अंदर जो चिप इसके अंदर जब लगा दी जाती है तो इसको बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो ये सेम ही है, तो जो आपके CPU के अंदर जो IC चिप लगी होती है उसको हम बोलते हैं VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो बस ये आपका दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे, एक आपका IC चिप और दूसरा आपका बस का। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर जो बाकी कॉन्सेप्ट होंगे जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड उसको हम कवर करेंगे। आपका जो मेन टॉपिक रहने वाला है पूरे कंप्यूटर के अंदर वो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर ही है, इसके अंदर थोड़ा आपका लंबा चलेगा ये, बाकी सारे टॉपिक्स जो आपके छोटे छोटे हैं तो वो आपके जल्दी ही कवर हो जाएंगे। फॉर द टाइम बींग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू।